हेलो एवरीवन, तो आज जो आप फ्रेम में गाड़ी देख रहे हो ये है न्यूली लॉन्च्ड मारुति सुजुकी जिम्नी 2024 वाला वेरिएंट है जो इसका मॉडल है। ये है हमारे सामने, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर हम कह देते हैं इसको, और जो प्रॉपर कलर है वो इसका मैं मेंशन कर दूंगा आप लोगों को। तो बात करते हैं इसकी लुक की आप देख लो कैसी लग रही है आपको। सामने से आपको मिल जाती है इधर ग्रिल विद क्रोम एनेबल्ड, और ये हमारी हेडलाइट होगी जो कि मिलेगी हमें हेलोजन में। इधर मिल जाते हैं हमें फोग लैंप कंपनी फिटेड। साइड प्रोफाइल से बात करें गाड़ी की तो कुछ ऐसी नज़र आती है आपको। चलो पीछे की साइड से दिखाता हूँ आप लोगों को। पीछे से बात करें तो आपको नेक्सा का लोगो मिल जाता है विंडशील्ड के, जो इसकी रियर वाला ग्लास है सॉरी। सुजुकी की यहाँ पे बैचिंग मिल जाती है स्पेयर टायर के लिए जो कि अच्छा लगता है, और ये आपको थोड़ा फिनिश मिल जाती है ब्लैकिश जो कि है प्लास्टिक में। जिमनी की इधर आपको बैचिंग मिल जाती है, ऑल ग्रिप का आपको इधर लोगो मिल जाता है। ऑल ग्रिप यानी कि 4x4 ड्राइव है। बाकी पीछे आपको मिल जाती है हेलोजन बल्ब है, इधर ब्रेक वाले हो गए, इधर इंडिकेटर और इधर रिवर्स लाइट के लिए। यहाँ पे कुछ लगेगी गाड़ी की नंबर प्लेट। ये देखा जाए तो ये है रिवर्स पार्किंग सेंसर जो कि हमें इधर दिए हुए हैं, पोजीशन इनकी इधर है। यहाँ पे मिल जाता है आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर जिसे कि गाड़ी हम खोल सकते हैं। बूट कुछ ओपन करने के बाद ऐसा नज़र आता है। इधर आपको ये दिया गया हाइड्रोलिक जो कि बहुत अच्छा है, पटा वगैरह नहीं दिया हुआ जैसे कि थार वगैरह में दिया जाता है। इधर से इसकी हो रही है वायरिंग, ये हो गया हमारा कब्जा जिसको हम कह देते हैं। इधर आपको मिल जाता है 120 वाट का चार्जिंग पोर्ट। इधर मिल जाती है आपको हेलोजन में एक लाइट। यहाँ पे बोल्ट साइज एसेसरी होल्स इधर दे रखे हैं। बाकी बूट की बात करें तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ये हो गया हमारा कुछ टूल्स जो कि ट्रायंगल वगैरह होते हैं, मिंडा का है ये। सीट की बात करें तो सीट हो जाएगी हमारी फोल्ड ऐसे कुछ। इधर स्विच दिया गया है, ये ऐसे करने से हो जाएगा सिर्फ। हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट क्वालिटी के हैं, देखा जाए तो बहुत अच्छा मतलब कि मटीरियल लग रहा है। बस ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है जो कि ऐसी दे रखा है, कोई मान लो छोटा बच्चा हो तो वो निकाल सकता है ये चीज़। बाकी आपको इधर सुजुकी टेम्पर लाइट की बैचिंग मिल जाती है, डिफोगर मिल जाते हैं, डिफोगर की वायर ये रही। बात करें तो वेट कुछ मतलब कि ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा खास भी नहीं है। और वाइपर आपको सिंपल दिया गया जैसे आल्टो वगैरह का आता है जो फ्रंट वगैरह वाला होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये चौड़ाई में होता है बलेनो वगैरह की तरह तो थोड़ा सा अच्छा और प्रीमियम लुक देता। यहाँ पे हाई स्टॉप माउंट लाइट मिल जाती है आपको, इधर वाइपर वॉशर मिल जाता है, इधर मिल जाता है हमें एंटीना जो कि अभी फिट होएगा इसका जब ये डिलीवरी के लिए तैयार होएगी इंस्पेक्शन वगैरह के लिए। अलॉय व्हील मिल जाते हैं आपको। टायर साइज़ की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, टायर साइज़ इधर दिया गया है 195/80 R15 15 इंची के अलॉय व्हील मिल जाते हैं आपको, और ये है 96S, ये होता है इसका कोड यानी कि कितना लोड और कितना वेट वगैरह ये झेल सकता है। 5 आपको स्टड मिल जाते हैं खोलने के लिए। इधर मिल जाती है आपको प्लास्टिक की व्हील कैप, ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं आपको, ये है ब्रिजस्टोन का। राइट में आपको मिलती है इधर फ्यूल टैंक जो कि पेट्रोल इधर फिल्ड होता है। बाकी बात करें पीछे कुछ बैठ के देखते हैं। तो अंदर बैठने के बाद ऐसा कुछ आपको सेंटर कंसोल लगता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। पीछे से अगर बात करें, अगर हम बिल्कुल बैक लगा के बैठे सीट के साथ, तो हमें बोनट विजिबल इसका नहीं होगा, सिर्फ ड्राइवर को और को पैसेंजर को इसका बोनट आगे का सीन होगा। अब देख लो इतना मुझे कैमरा उठाना पड़ रहा है तब जाके दिख रहा है, यानी कि पीछे वाले बंदे को बैठा हुआ मतलब कि आगे का नहीं दिखेगा बोनट। बाकी आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। बात करें लेग रूम की तो लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है। थाई स्पॉट भी कुछ इतना ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी का है और ठीक ठीक है। आपको मिल जाते हैं इधर कप होल्डर, कोई चार्जिंग सॉकेट वगैरह तो इधर नज़र आ नहीं रहा तो नहीं दे रखा। हेडरूम भी अच्छा खासा दे रखा है गाड़ी के अंदर। बाकी इधर आपको मिल जाता है थोड़ा क्रोम फिनिश में खोलने के लिए, और ये लॉक का हो गया, ये मेरे ख्याल पावर विंडो का है, विंडो के लिए बहुत अच्छा लग रहा है ये स्विच। इधर भी दे रखे हैं आपको पावर विंडो के ड्राइवर की तरफ से यानी कि करना चाहे तो। स्पीकर आपको दे रखे हैं इधर, ये देखो इधर ग्रिल दे रखी है आपको स्पीकर की। SRS एयरबैग की बैचिंग दे रखी है, इसके अंदर होंगे 6 एयरबैग्स जो कि कंपलसरी कर चुकी है अब गवर्नमेंट। गाड़ी की लेंथ की बात करें तो गाड़ी की लेंथ है 3985 mm, 3985 mm की इसकी है जो लेंथ है, यानी कि गाड़ी की वहां से लेके आगे तक कितनी लेंथ होगी। हाइट की बात करें तो हाइट आपको मिल जाती है 1720 mm की, 1720 mm, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी 172 cm। चलो आपको आगे से दिखा देता हूँ। वाइपर ब्लेड आपको मिलते हैं कुछ इतने खास नहीं है, सिंपल से मिलते हैं।
सुजुकी का इधर लोगो दे रखा है, जो कि ये नहीं उतारना, कस्टमर अपने आप कर लेगा। आपको दे रखे है इधर वाइपर वॉशर दे रखे हैं वाइपर के लिए, ये देख लो आप। बाकी आपको मिल जाता है इधर इंडिकेटर के लिए फॉग लैंप, जो कि मैं बताई दिया मैंने आपको बता दिया था। इधर मिल जाती है व्हील आर्च, जिनके ऊपर एसेसरीज लग जाएगी जो कि अच्छी लगेगी। ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है, मारुति कब इसको सुधारेगी। फेंडर के ऊपर लाइट दे रखी है, इससे बढ़िया अगर इधर देते तो ORVM पे तो बहुत ही अच्छा फील आता। इधर दे रखा है हमें रिक्वेस्ट सेंसर, चलो अंदर चलते हैं। दरवाज़ा अगर इसका मतलब कि डोर देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा कि मतलब कि बहुत ही भारी हो, क्योंकि अभी नई गाड़ी है तो वैसे भी इसका थोड़ा सा वो फील होता है हैवी डोर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि अगर देखा जाए। इधर दे रखा है गाड़ी का VIN नंबर, इंजन नंबर। अब देख लो आप लोग कैसा फील होता है जब मैं बैठा हूँ ड्राइवर सीट के ऊपर। डोर क्वालिटी की थर्ड साउंड देखी जाए तो अच्छी है, प्यारी है, लेकिन ये देखना आप कैसे हिलेगा, थोड़ा सा वही दिक्कत, ये थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है पन्नी के साथ साथ ये जो हमारा है। तो बात करें अगर कुछ स्टेयरिंग की, स्टेयरिंग हमें दिया गया ऐसा, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इधर मिल जाता है हमें क्रूज कंट्रोल, करो गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ मैं एक बार। तो गाड़ी ऑन करते ही हमारा AC देख लो ऐसा मिल जाता है कुछ आपको। बाकी अगर मैं बात करूं, ये देख लो आप इग्निशन स्विच पोजीशन पे अभी गाड़ी है। इधर मिल जाते हैं हमें वाइपर के कंट्रोल, ऑफ इंस्टेंट और ऑन, फास्ट इंटरवल टाइम, ये हम कर सकते हैं। अगर फास्ट करना है फास्ट चलाओ, स्लो चलाना है स्लो चलाओ। बाकी ये हो गया हमारे, ये तो नॉर्मल से होते हैं, इनकी कोई वो नहीं होती। स्टेयरिंग की बात करें तो बंद गाड़ी है फिर भी स्मूद है, ज़्यादा कुछ खास मतलब कि हैवी नहीं है। बात करते हैं इसके, यहाँ से हम ट्रिप रीसेट कर सकते हैं इसकी। ट्रिप टोटल चली है गाड़ी 9 किलोमीटर गाड़ी चली है। इधर से हम कर सकते हैं इल्यूमिनेशन कंट्रोल, जो कि हमने सेटिंग वगैरह करनी होती है, एवरेज स्पीड, इकोनॉमी वगैरह, ये सारा कुछ दिखाती है। ये हो गया। स्पीडोमीटर की बात करें तो 180 इसकी टॉप स्पीड दे रखी है, यानी कि गाड़ी की देखा जाए तो टॉप स्पीड ये जाएगी ऑलमोस्ट 160-165 तक जाएगी। बाकी ऐसा कुछ गियर नूब मिला था, वही सेम है मारुति सुजुकी, एक ही गियर नूब देती है हर गाड़ी के अंदर। और देखा जाए तो गियर शिफ्टिंग भी थोड़ी सी स्मूद ही है। यहाँ पे मिल जाता है आपको हैंड ब्रेक के लिए, हैंड ब्रेक देखा जाए तो थोड़ा उसकी तरह लग रही है जैसे इको वगैरह गाड़ी की आती है ना वैसी है। यहाँ पे आपको मिल जाता है कंट्रोल करने का, 2 हाई पे चलानी है, 4 हाई पे चलानी है, प्रेस फॉर 4 लो, यहाँ से आपके ये हो जाएंगे स्टार्ट करके गाड़ी। यहाँ पे दे रखे हैं पावर विंडो के लिए कंट्रोल, ये देख लो। बाकी आपको इधर मिल जाती है ये डोम लाइट, रूम लाइट जिसको हम कहते हैं, ऑफ, ये डोर पोजीशन और ये ऑन। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं माइक, यानी कि वॉइस कंट्रोल हम कर सकते हैं। सनरूफ की बात करें तो सनरूफ वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो बोनट आपको पूरा पूरा विजिबल होता है। अगर मैं अपनी आंखों के सामने कैमरा करूँ तो ऐसा कुछ व्यू आ रहा है मुझे। IRVM आपको मिल जाता है मैनुअल। बाकी इधर मिल जाता है आपको ये टिक टिक आवाज। यहाँ पे है हमारे AC वेंट, तो चलो गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है टाइम, टाइम जो कि इसका गलत हो चुका है, ये होएगा रीसेट। जब गाड़ी की डिलीवरी होती है तो सारा कुछ सेटिंग करके देती है मारुति सुजुकी। यहाँ पे आपको मिल जाती है वाइपर के लिए, धोने के लिए, गाड़ी जब स्टार्ट करेंगे। ये आइडल ऑफ ऑन का हो गया, यहाँ से लेवल हम सेट कर सकते हैं इसका। यहाँ पे हो गया हमारे IRVM के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल, लेफ्ट में करना है लेफ्ट में, राइट में, और ये सारा कंट्रोल हो जाएगा। ये देख लो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, यानी इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल जाते हैं आपको, ये देखो। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चलो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दे रखा है हमें ऑन ऑन ऑफ ऑन पोजीशन। आप एक बारी ये नोटिस कर रहे हैं, जैसे टोयोटा की गाड़ी में होता है ना वैसे इसका गियर स्टिक देखना। थोड़ा सा चलो अच्छा ही लगता है। यहाँ पे आ गया हमारा सुजुकी का लोगो, वाइब्रेशन है गियर स्टिक में कुछ ज्यादा ही है। गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है लेकिन अभी थोड़ी सी हार्ड है। रियर कैमरा की आप क्वालिटी देख लो एक बार, कुछ इतनी खास नहीं है। चेक सराउंडिंग्स फॉर सेफ्टी, ठीक है गाड़ी देखा जाए तो। क्लच का कंट्रोल है जो बहुत स्मूथ है, गाड़ी इतनी की वो हैवी मतलब की फील नहीं होती। ब्रेक की बात करें तो आपको ABS मिल जाता है गाड़ी के अंदर।
यहाँ पे आप देख लो पावर विंडो कंट्रोल दे रखे फ्रंट वाले के लिए अगर हमने सेट करनी हो, जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है स्क्रीन, स्क्रीन को हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये मिल जाता है वॉइस कमांड के साथ साथ, एसी कुछ ऐसी आवाज करता है अगर आपको मतलब कि दिख रहा हो। वाइब्रेशन देख लो आप, आइडल पोजीशन पे भी ये वाइब्रेट हो रहा है। अब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा इतनी अच्छी तरह। यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी चाबी, ये बहुत अच्छा सुधार कर दिया मारुति ने, ब्लू कलर की जगह ब्लैक दे रखा है, जो कि प्रीमियम फील होती है गाड़ी की चाबी। वेट की बात करें तो इतना कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले से हैवी है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिल जाता है आपको, इधर मिल जाता है हिल होल्ड कंट्रोल, और इधर ऑटो, ऑटो डाउन एंड ऑटो अप। लो फ्यूल का इधर इंडिकेटर आ रहा है आपको, यानी कि गाड़ी के अंदर लो फ्यूल है। स्टेयरिंग की बात करें तो अल्ट्रा स्मूथ स्टेयरिंग है बिल्कुल, कोई मतलब कि हैवी आपको करना नहीं पड़ रहा, जोर वगैरह लगाना नहीं पड़ रहा। आप ये देखो एक बार कितना स्मूथ है। हॉर्न की बात करें वही सिंपल जो आता है मारुति सुजुकी का। यहाँ पे आप मिल जाते हैं हेडलाइट के धोने के लिए। तो बात करते हैं इधर कुछ इन्फोटेनमेंट सिस्टम की। इन्फोटेनमेंट सिस्टम की जो आपको लेंथ है वो मैं इधर मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि है ये वॉल्यूम के लिए हो गया, ये होम बटन हो गया, ये कॉल कनेक्शन। यहाँ पे आपको देखे हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल कॉल का हो गया, कॉल एंड का हो गया, और ये वॉइस कमांड। वॉइस कमांड में आप सिर्फ ये कर सकते हैं कंट्रोल फोन, मीडिया, रेडियो, व्हीकल कंट्रोल्स। आपको मैं एक बार एग्जांपल करके दिखाता हूँ। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सुजुकी, योर ड्राइव कंपेनियन। ये हो जाता है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? प्ले सॉन्ग। मीडिया डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड। अब देख लो हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं एक बार ये दबा के। हाय, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? शो रियल टाइम एवरेज। Sorry, I didn't get that. Please say that again. Show real time average. Sorry, I still didn't get that. Did not. Please. यहाँ पे आपको व्हीकल कंट्रोल्स, रेडियो, और ये चार सेटिंग है ये जो हम कर सकते हैं वॉइस कमांड से। यहाँ से वॉइस का इधर भी दे रखा है और इधर भी, यानी कि ड्राइवर को कोई तंगी ना हो। यहाँ पे दे रखा है मोड बटन, यहाँ पे इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अगर मतलब कि इधर करना हो इन्फो। यहाँ पे आपको म्यूट का मिल जाता है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल अगर हमने सेट करना हो, ये जो क्रूज कंट्रोल होता है ये होता है 40 की स्पीड के बाद मतलब कि हम ऑन कर सकते हैं। यहाँ से सेट करना हो, यहाँ पे अगर हमने स्पीड मतलब कि कितने पे सेट करना है तो वो हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा अगर हमने बंद करना हो। फ्यूल सॉरी अगर इसकी बात करें लाइटनिंग की, तो आपको मिल जाती है इधर ऑटो। ऑटो पे करेंगे तो क्या होगा, जब गाड़ी यानी कि टनल वगैरह या अंधेरे में जाएगी तो स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कर देते हैं बंद, हो गया। आरपीएम की बात करें तो 8000 तक इसका टॉप जाता है, 8000 आरपीएम तक। और बाकी बस यही था, बाकी गाड़ी है जो बहुत मतलब की चौड़ाई में कम है, जो कि मतलब की छोटी मतलब की फील देती है। थार वगैरह की बात करें तो वो थोड़ा सा वेट में ज्यादा है। यहाँ पर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड भी, और इधर को पैसेंजर साइड भी। एयरबैग की आपको बैचिंग मिल जाती है, SRS एयरबैग, इधर भी SRS एयरबैग। तो ऐसी थी कुछ हमारी जिमनी। ये थोड़ा सा मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, वाइब्रेशन मतलब कि आइडल पोजीशन पे भी वाइब्रेशन है। यहाँ से एसी ऑफ ऑन का, यहाँ पे आप हरी डिस्प्ले हो गई जो कि शो करेगी जो हमने मोड चेंज करना है। मोड ऑफ, ऑफ यहाँ से हो गया, एसी यहाँ से ऑन कर लेते हैं। एसी ऑन हो चुका है, एसी ऑफ। यहाँ पे ऑटो मिल जाता है आपको टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, गर्म हवा आ गई, ठंडी हवा, लो पे कर दिया। ये है सबसे इसका हाई पे, हाई पे देख लो कितनी आवाज कर रहा है इसे, और जो फ्लो है बहुत ही अच्छा खासा मतलब की है। दो आपको एसी वेंट इधर मिल जाते हैं, दो इधर मिल जाते हैं, पीछे कोई एसी वेंट नहीं है। बाकी बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है सिंपल, ये रही इसकी बुकलेट जो आती है नेक्सा की स्मार्ट प्ले की, फर्स्ट एड किट मिल जाती है आपको। यहाँ पे छोटा मोटा सामान रखने के लिए आपको मिल जाता है। बाकी ये थोड़ा सा ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, स्टडी क्वालिटी है, एबीएस मटेरियल की है। यहाँ पे आपको बात करें तो थोड़ा सा गोल्डन मतलब की फिनिश में मिल जाता है, गोल्डन फिनिश अच्छा लगता है। और जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये मुझे थोड़ा सा ओल्ड मतलब के टाइप का लगा। ओल्ड क्यों लगा? थोड़ा सा मतलब की जैसे कि
व्हाइट कलर में एलईडी देते और थोड़ा सा एनालॉग दे रखा ज्यादा, थोड़ा बहुत डिजिटल भी करना था। अब चलते हैं इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन के पास, बोनट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से दे रखा है इसका बोनट, तो आपको एक बार इंजन नॉइस वगैरह सुनाता हूँ। इंजन नॉइस देख लो एक बार, थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि एसी चल रहा है अभी। एसी ऑफ करके सुनाता हूँ। एसी ऑफ करने के बाद कुछ ऐसी इसकी इंजन साउंड आती है जो कि नामात्र है। वाइब्रेशन की बात करें तो नहीं है बोनट तक। अब दिखाता हूँ इसका आपको बोनट ओपन करके। ये देख लो एक बार इंजन नॉइस एंड वाइब्रेशन थोड़ी सी आपको दिखेगी इधर, जो कि नामात्र है। एबीएस पंप मिल जाता है इधर, वॉशर लिक्विड वगैरह। यहाँ पे आपको बोनट स्टे रोड मिल जाती है, बाकी सेंसर वगैरह ये देख लो। बैटरी इधर इसकी दे रखी है लेफ्ट साइड, जो कि होती है राइट साइड में गाड़ी की, आम गाड़ियों की। ओके देख लो आप, बोनट का अगर वेट की बात करूँ तो थोड़ा सा हैवी फील होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। चलो इसको करते हैं बंद। अब देखो आवाज, गाड़ी का जो स्टेबल आरपीएम है वो है अराउंड 900 है अभी, और अभी थोड़ा सा ये बहुत अच्छी है इसकी इंजन साउंड। ये देखो इंजन साउंड पे देखना ये कैसे वाइब्रेट होगी। अब इंजन साउंड की अंदर से सुनना कैबिन से कैसी आवाज है, और एक बारी आपको मैं बाहर से भी सुना देता हूँ। अब पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, और एक बार अंदर से सुन लो। अच्छी है इसकी जो इंजन साउंड है, स्पोर्टी लुक में आती है। तो ऐसी थी कुछ। अब देख लो वाइब्रेशन कितनी है, मेरा हाथ कितना हिल रहा है इधर। स्टेयरिंग में कुछ आपको वाइब्रेशन फील नहीं होती, नहीं है स्टेयरिंग के अंदर, ना ही डैशबोर्ड पे है। इधर है गियर स्टिक में, बाकी इधर से हम वो कर सकते हैं प्रेस करके इसको, तो हम चेंज कर सकते हैं इसके 2 हाई 4 H, यानी कि 2 हाई में चलेगी, 4 हाई में चलेगी, 4 लो। 4 लो के अंदर गाड़ी सबसे ज़्यादा टॉर्क निकालती है। चलो गाड़ी को बंद कर देते हैं। तो ऐसी कुछ थी हमारी जिम्नी जो आपने देख ली। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।